हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम 27वां कार्य पत्र करेंगे हिंदी का, क्लास 9th का, जो कि 10 सितंबर का है। तो प्यारे बच्चों, हमारे आसपास या घर आंगन के पेड़ और पौधों से हमारी कई वस्तुएं, यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। उस पेड़ पौधे के ना रहने पर उनसे जुड़ी बहुत सी चीजें लोगों को याद आती हैं। इस भाव को व्यक्त करती हुई इस कविता को पढ़े। अरे कोई देखो मेरे आंगन में, कटकट कर गिरे मेरे नीम, मेरे नीम, मेरे नीम, गिरे मेरे सखियों का झूलना, बेटे का पलना गिरा, गिरी उसकी चिड़िया, देखो उड़का उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा, देखो वे आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सी ले आए उसे बांधने, देखो उसे कापी उसकी छाया, उसकी पंक्तियों को छाया, जिनसे धाव मैंने पूरे, देखो कैसे कटी उसकी छाल, उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार, मेरे गीतों में धसी, मनोती में धसी, मेरे घावों में धसी कुल्हाड़ी की धार, बेटे ने गिन लिए रुपए, मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब, उसे ले गए, उसे ले गए, जैसे कोई ले जाए लवारिस लाश, घसीट कर ऐसे उसे ले गए, ले गए आंगन की धूप छा सुबह शाम, चिड़ियों का शोर ले गए ऋतुए, अब तक का संग साथ सुख दुख सब जीवन ले गए। तो इस तरह से कविता थी। अब कुछ प्रश्न करेंगे। सखी शब्द का अर्थ क्या है? मित्र, भाई, चाचा या बेटा? मित्र। अब दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से पेड़ का पर्यायवाची पादप, तरु, वृक्ष या वंशी? तो वंशी नहीं है। अब तीसरा, आंगन में कौन सा पेड़ कट कर गिरा? आंगन में नीम का पेड़ कट कर गिरा। अब पेड़ के गिराने पर कवि ने क्या क्या गिरने या खत्म होने की बात की है? पेड़ के गिरने पर सखियों का झूला, बेटे का पलना, चिड़ियों का शोर, चिड़िया, घोंसले गिरने और खत्म होने की बात की। पांचवा प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगे? जब पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी ले आए और पेड़ को बांधने के लिए रस्सी ले आए, तो पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी। अब बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया? बाबा ने पेड़ बेचकर हिसाब कर लिया और बेटे ने उसे बेचकर जो पैसे मिले थे उनको गिनकर रख लिया। अब सातवां प्रश्न, इस कविता के आधार पर विचार करके लिखिए, घर आंगन से पेड़ कट जाने पर जीवन से क्या क्या खत्म होता है? तो पेड़ों की छाया, चिड़ियों का घोंसला, फल, बच्चों का झूला आदि खत्म होता है। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।